आप क्या करने, आप क्या बोलने वाले थे? किसी ने पूछा ना, किसी ने पूछा था कॉमेडी कि टास्क में सना इतना हाँ गुस्सा कि क्यों थी? सना वो मेरे ख्याल से वो जो रात का वो जो था इसलिए। देखो क्या हुआ था ना, टाइम पे सना अपना उसको ना अपना घर मानती है, और सना को, सना इज अ वेरी क्लीन पर्सन, उसकी बहुत ही अच्छी, उसके मैंने एक चीज नोटिस करी है, उसको हाइजीन बहुत मैटर करता है। सुबह सुबह कोई ब्रश करे ना करे, शहनाज ब्रश कर रही है सुबह, और शहनाज रोज नहाती है, सिद्धार्थ को बोलती है तू नहा जाके नहा जाके। तो उसके हाइजीन मैटर्स अ लॉट। और घर में मतलब मक्खियां भिन भिना रही हैं, वैसे टाइप की गंदगी किचन में पड़ी है, और ये तीनों को बोलने को बोल रहा था कि आप ही साफ करोगे और कोई साफ नहीं करेगा, और वो तीनों साफ ने उस सबसे बड़े कामचोरों को बोल दिया था कि आप साफ करो। मतलब बिग बॉस आप चाहते क्या हो, घर साफ ना रहे क्या? सबसे तीन तीन सबसे बड़े काम चोरों को घर के बोल दिया था कि घर आप साफ करोगे, तो वो तो घर घंटा साफ होने वाला था घर उसके बाद। और मायरा, मायरा तो वैसे भी वो इतनी एरोगेंट, मतलब चिपकली सो एरोगेंट, इतनी एरोगेंट, इतनी नार्सिसिस्टिक शी इज, इतना एटीट्यूड है, पता नहीं किस चीज का है इतना एटीट्यूड उसको, इतना घमंड किस बात का है। शनाज ने यही बोला था कि इसको साफ कर दो या मेरे को करने दो, क्योंकि मेरे को घर गंदा नहीं पसंद। वो घर को अपना मानती है, क्योंकि आप किसी के साथ कहीं रह रहे हो, अगर आप किसी के साथ हॉस्टल में भी रह रहे हो, वो हॉस्टल उन 4 सालों के लिए आपका है, तो आपको उसको साफ रखना चाहिए। आप गंदगी में कैसे पड़े रह सकते हो? मेरे को ऐसे लोग समझ नहीं आते जिनके आसपास गंदगी है, वो उसमें बैठे हैं, उनको तही जम रहा है। मतलब थोड़ी साफ सफाई रखनी चाहिए। और उसने इतना ही बोला था, और मायरा चिल्लाने लग गई, मतलब छिपकली स्टार्टेड शाउटिंग, और पारस तो मतलब टकला, तो मायरा ने उसको टकले को बोला, और टकला सना पे जो चढ़ा था ना, वो मेरे को बहुत खराब लगा था। तब वो फिजिकल चढ़ रहा था उस टाइम पे, सिद्धार्थ जो शहनाज को साइड कर रहा था, लेकिन वो मेरे को देखने में क्यूट लगा, क्योंकि यूजुअली उल्टा होता है, लेकिन उस दिन उल्टा हो रहा था। लेकिन जो पारस जो टकला जो कर रहा था शहनाज के साथ, वो मेरे को आई डेंट लाइक इट, और वो बहुत ही बुरी तो भयंकर तरीके से चल रहा था। और इसके बाद तो कॉमेडी टास्क तो मेरे को उसके बाद अच्छा ही लगा, जो रश्मि ने भी किया मेरे को वो भी अच्छा लगा, लक्ष्मी ने जो किया, क्योंकि शनाज ने उसकी अच्छे से ले ली थी उस पॉइंट पे। अगर लक्ष्मी शनाज को स्टेज पे ना बुलाती तो शायद सिर्फ लक्ष्मी बची रहती, लेकिन लक्ष्मी ने शनाज को स्टेज पर बुलाया, तो शनाज ने ले ली उसकी इतने अच्छे से कि स्टेज पे तू खड़ी है, कॉमेडी तू कर रही है, लेकिन नाम मेरा चल रहा है। ओहो, इसकी वन लाइनर इतनी अच्छी होती है ना, इतनी स्मार्ट है वो, इतनी बढ़िया वन लाइनर। तो उसका बस और क्या नहीं, हुआ था? उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है। मैं बता, जो मेरा वो है हाँ, हाजिर नवाबी, हाजिर नवाबी, हाजिर जवाबी, सॉरी यार, ओहो क्या चल रहा है, हाजिर जवाबी, नवाबी नहीं जवाबी। नहीं, उस रात बताए जो मुझे फील हुआ उसको उस फर्क नहीं पड़ता घर क्या कर, घर उसको साफ सही। वो लड़ाई किस लिए शुरू हुई? क्योंकि माहिरा और पद्मा लड़ रहे थे फालतू के बकवास पे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो लाइक इससे बेटर तो साफ कर लो, कितना गंदा हो रहा है। और फिर वो जब वो चढ़ने लग गए उस पर, तो बोला मैं ही साफ कर लेती हूँ। और उस पर वो हो गया। नेक्स्ट वॉज वो मे जो व्हाट आई फेल्ट, वो क्यों अपसेट थी? एक तो वो बहुत हाईली एडिटेड है नेक्स्ट डे वाला। लेकिन उस दिन क्या हुआ था कि जब उसको बोलता है ना कि मेरे को तेरे को बहुत प्यार आया, मेरा मन कर रहा था पास आके हग करूं, तब वो जब उससे कहता है कि ऐसे थोड़ी किसी के साथ हग करके सो जाते हैं ये, वो तो उसको बोलता है हमारी लाइकिंग है बहुत अच्छी वाली। लेकिन फिर मतलब उसकी फीलिंग्स का वो, मतलब उसको जो लगा कि उसकी फीलिंग्स को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा जो उसके लिए वो फील करती है, शनाज को ये फील हुआ। और नेक्स्ट डे एक एक एडिटेड एक क्लिप है जो क्लियर तो नहीं आती, लेकिन व्हेन शी वेंट एंड सेट विद हिम, वो भद्रमा से फ्लर्ट कर रहा होता है, तो वो जाके वहां बैठती है, तो उसको शनाज का क्या है, जहाँ उसको होता है वहां मुंह खोल देती है। शी स्पीक्स व्हाट एवर इज इन हर माइंड, शी डजंट केयर। और सिद्धार्थ का होता है हमारे बीच की बात हमारे में ही रहे, तो वो उसको बोलता है तू मेरे से सच में बात नहीं करेगा, ये मुझसे कह रहा है ये मुझसे बात नहीं करेगा, मिलेगा नहीं, तो इस पे तो उसको बोलता है हाँ नहीं करूंगा। तो इस पे वो उसे बहुत हर्ट हो जाता है रात में भी, जब वो उसको लगता है कि उसकी फीलिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए वो हर्ट हर्ट हुई होती है। और फिर तभी तो वो कहते हैं ना देखो दिल मेरे पे फाड़ना है तो फाड़ ले, मैं तेरे को इतना कुछ कर रहा हूँ ना, तुझे जो करना है वो कर ले, यही रीजन था वो उस पे था।
और पारस का तो क्या ही कहना है। हाँ पारस बिल्कुल, तो उस दिन भी जब वो चाय फाइट के बीच में, यार हाउ कुड ही, मतलब किसी भी लड़की के ऊपर ऐसे कैसे चढ़ जाए, जैसे कोई हिला रहा था उसके साथ फॉरहेड को, मैं मार रहा था कि तेरे दिमाग इतना चलता है, ये खराब है वो, मतलब शी वॉज ट्राइंग टू टॉक टू सिद्धार्थ, उसे कूल डाउन करने से बात करने की कोशिश कर रही है, और वो उसे वहां जाने ही नहीं दे रहा, एनी से कि मैं उसकी, मैं तो चाहता हूँ कि ये बात कर लें। तो वो तो अलग ही टेंजेंट पे था, वो उसका तो हमेशा यही था कि उसे नीचे दिखाना है, जब वो दिखता है कि कुछ नहीं हो रहा तो वर्डिंग शुरू कर देता है। तो कॉमेडी टास्क का तो मुझे जो जहां तक लगा वो यही रीजन था, इसलिए वो हर्ट थी, गुस्सा नहीं हर्ट थी वो। और शनाज तो अपने लगने पे हाँ चलती है। हाँ सही है। हाँ यही था कॉमेडी टास्क पे, और क्या है। हाँ वैसे तो कॉमेडी टास्क बहुत ही सही था, जैसे मायरा मायरा का मतलब शिपकली का बकवास था, जरी वाला का भी बहुत ही बोरिंग था, और पारस का टकले का भी बहुत ही बकवास था, जो एक्टिंग कर रहा था वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और हाँ सिद्धार्थ का भी ऐसा कुछ वो नहीं था, मतलब सिद्धार्थ का कॉमेडी, मतलब कॉमेडी वो ना उसकी कॉमेडी डिफरेंट है, उसकी कॉमेडी है सरकाज्म, उसकी कॉमेडी है वन लाइनर्स, सरकाज्म, एंड उसकी कॉमेडी है हाँ वन लाइनर्स कॉमेडी है। सिद्धार्थ इज नॉट द स्टैंड अप काइंड ऑफ गाय, तो वो वहाँ पे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी सिद्धार्थ की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि सिद्धार्थ इज वन लाइनर टाइप ऑफ गाय, सिद्धार्थ इज सरकास्टिक काइंड ऑफ गाय, सिद्धार्थ इज नॉट जोक मारूंगा तो लोग हंसेंगे टाइप ऑफ गाय, वो शनाज है। तो शनाज शनाज वैसे कॉमेडी में एक्सेल ही नहीं करती है, यार वो उसका अलग ही उसकी है कॉमेडी नहीं होता, कॉमेडी। उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है, और सबसे मेन चीज है वो जिस हिसाब से हाँ बोलती हाँ है। उसकी हाँ वो ना वैसे हाँ वो यूनिक है, जैसे वो उसने कहा हाय थक गई मैं बैठ जाती हूँ, वो बैठ गई, नेक्स्ट छिपकली आई, छिपकली भी आके बैठ गई, छिपकली एक तो इतनी बड़ी कॉपी शहनाज की कॉपी छोड़ी नहीं उसने, लेकिन उसके बाद भी शहनाज जेलस है। तो मतलब आप थोड़ा सा देखो ना खुद को भी देखा करो कभी, तो शनाज आके बैठ जाती है तो लोग हंसने लग जाते हैं कि क्यों, शी इज नेचुरल, द थिंग वाई वॉट पीपल लव अबाउट हर इज दैट शी इज नेचुरल फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड ऑफ ऑल शी इज हर सेल्फ एंड शी इज नेवर अफ्रेड ऑफ बींग हर सेल्फ। ये इंसान का कॉन्फिडेंस झलकता है इससे कि वो डरती नहीं है खुद का, मतलब अगर कोई उसका मजाक भी उड़ा रहा है उसको कोई बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो ऐसी है, मजाक उड़ा लो जिंदगी भर उड़ा रहे यार मैं हूँ ऐसी, एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ लाइक दिस, मैं मोटी हूँ तो मैं मोटी हूँ, मैं ऐसी हूँ मैं ऐसी ही हूँ, क्या कर लोगे नहीं बदल सकते मेरे को, मैं हूँ ऐसी। उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था ना वो दैट वॉज ब्यूटिफुल, क्योंकि ऐसा कॉन्फिडेंस सबके अंदर नहीं होता, जैसे मायरा छिपकली जो थी शनाज की कॉपी कर रही थी वहां पे आके, वो बैठ गई स्टेज पे, क्योंकि शनाज बैठ गई थी, शनाज कहती हाय मैं थक रही हूँ बोलते बोलते, तो वो इतना क्यूट सा था, उन लोगों को वो लग रहा है अभी, वो शनाज का नेचुरल है यार, शनाज है ऐसी बंदी, आप किसी का नेचुरल कॉपी नहीं कर सकते, इट इज वेरी हार्ड टू कॉपी दैट। तो वो छिपकली तो उसकी जैसी बनने की कोशिश भी कर रही है, पर ये भी कह रही कि वो जेलस है, आपके अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि वो आपसे जेलस हो, पहली बात तो शी इज वेरी, मेरे को लगता है इसमें भी शनाज को ना जेलस वर्ड बहुत ट्रिगर करता है, क्योंकि शी इज वेरी कंफर्टेबल इन हर ओन स्किन, शी इज वेरी हैप्पी विद हर सेल्फ एंड शी इज वेरी कंफर्टेबल विद हर ओन स्किन एंड हाउ शी इज, नहीं उसको पता है, वो खुश रहती है इस बात से कि वो अरे कैसी उसको है, पता है तो ना। उसको ना हर्ट होता है। हाँ बोलो। हाँ मैं वही कह रही हूँ ना कि लोगों को पता भी है, उसके बाद भी लोग बार बार ही कह रहे हैं ना शनाज को, उससे इरिटेशन हो रही है, और उस दिन उसका ब्रेकडाउन हो गया था उसके बाद, मेरे को ये लगता ना एक्चुअली में उसका है जो उसका ब्रेकडाउन ब्रेक। हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था, मुझे ऐसा लगा। हाँ एग्जैक्टली आई एग्री, टोटली आई एग्री। उसके बहुत एक तो अच्छा जितने हुआ भी वो था। चीजें थी हाँ उसके दिल में, जो भी चीजें थी वो सब निकल गई, और जो अब उसके बाद में लोगों ने बंद कर दिया बोलना, यस एग्जैक्टली, सबके रियल सेल्फ भी बाहर आ गए और कि कौन जेलस है कौन नहीं है। नहीं हाँ एग्जैक्टली। और जो शहनाज के लिए उसके बाद जो लोगों का प्यार बढ़ा वो अलग चीज थी, मतलब लोग रोए हैं उसको देख के, मैंने सुना था, एवरीवन हाँ क्राइड सीइंग मैंने तो हर। ऐसा और भी यार सुना उसकी था कि स्टोरी, लोग, ओके आप कंटिन्यू करो। नहीं, आप बोलो। मैंने तो ऐसा भी सुना था कि लोग बिग बॉस के घर के बाहर जाके वो आंदोलन कर कर आए कि आपने रुलाया कैसे। अब आई हाँ नो ये फेक एग्जैक्ट, न्यूज होगी, बट लेकिन ऐसा सुना है बहुत। नहीं मैंने तो वीडियो क्लिप्स देखी थी, वीडियो क्लिप्स थी। ओ
वीडियो क्लिप देखी थी मैंने, फेक नहीं थी, सच था। है ना, मैंने वीडियो क्लिप्स देखी थी, वीडियो क्लिप्स देखी थी लोगों की। इवन लोगों ने तो सलमान सर को भी बैश करना शुरू कर दिया था उसमें तो। बट मुझे बहुत प्यारा लगा जब जब सलमान सर आए, उसको कंसोल किया, आई रियली लव दैट। मतलब उन्हें क्यों जरूरत थी, वो केक तो कोई भी काट लेता, पहले भी एक्चुअली तो में काट केक लेता। काटना लग ही नहीं रहता, बिकॉज वो केक तो केक पहले काटने कट नहीं आए गया थे, केक था। तो पारितोष के साथ कट नहीं, गया था। और हाँ इवन हाँ करेक्ट इवन उस करेक्ट। वीकेंड में पता है आपने क्या, सिद्धार्थ ने किसी को भी शनाज के पास जाने नहीं दिया। जब सर ने बुलाया ना कि शनाज को लेके आओ, कहाँ है पकड़ लेके आओ, तो ना पारस भाग के जाता है, लेकिन सिद्धार्थ उसे वहीं पीछे खींच लेता है, क्योंकि सिद्धार्थ वो फिर जाके बकवास करेगा। आई नहीं, रियली लव कि उसने किसी को जाने नहीं दिया शनाज के पास, वो बहुत सही था, एक्चुअली मैं जब क्योंकि लास्ट सब वीकेंड में, उसे। हाँ बोलो, हाँ बोलो, लास्ट वीकेंड नहीं में बोलो। जैसे शहनाज ने उसको कंट्रोल किया था ना, वो सिद्धार्थ के ब्रेकडाउन को, वैसे इस बार सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा उसके साथ किया था। लाइक उसने पेशेंस लूज नहीं किया था बिल्कुल भी, जैसा था वैसा उसके साथ चल रहा था, वो जैसा बोल रही थी वैसा कर रहा था, तो बहुत अच्छा दिख रहा था। नहीं वो बहुत ज्यादा, मतलब यू कुछ सीधी इमोशन, या जैसे उसको हाथ पकड़ के खींच के ले जा रहा, तो वो बहुत, मतलब ऐसा था ना कि शनाज कहती थी ना, हक रख मेरे पे, वो हक था। उसने बोला बाद में, लेकिन वो उसने पहले से ही रखना शुरू कर दिया था, और वो बहुत स्वीट था। यस और सलमान सलमान सर का वहां आना तो सबको पता था कि सलमान सर की फेवरेट है वो, तभी तो हाँ, सबके जेलेसी फेस दिखी गए थे। सलमान सर ने कितनी बार हिंट भी दिया था कि मायरा तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों रो रही हो, वो तो बेस्ट कॉम्पिटिशन नहीं था। दिया, हाँ मैंने, मुझे तो पता नहीं था कि ऐसा कोई नहीं वीकेंड भी उन्होंने तो है। तब भी बोला था। अरे नहीं मैंने पता है, नहीं उन्होंने तो अच्छा मैंने तो वो कंटिन्यू। बहुत मुश्किल से देखा था, मतलब कितनी बार सोच के, आधा अधूरा देख देख के, आधा अधूरा देख देख के बहुत उससे। बट लेकिन वो बहुत सही था उससे ना, एक तो एक ये था ना कि उसको जो फील होता था कि लोग उसको बोलते, उसका वो ट्रिगर पॉइंट खत्म हो गया वहां, वो ट्रिगर पॉइंट खत्म हो गया। यस और जिस सब सबकी असलियत बाहर भी आ गई, वो तो पहले ही आ गई, लेकिन स्टिल और क्लियर हो गया कि व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। और इवन यार मुझे तो आरती का इतना, मतलब वहां पे इतना सीरियस, समवन इज क्राइंग, और वो वहां पे ये कह रही है कि अब तो मैं ना ये मत पहनना, क्या कोऑर्डिनेट करके कपड़े मत पहना, व्हाट द हेल, व्हाट शी इज स्पीकिंग, मतलब क्या कोई टॉपिक ही नहीं है। उसको इनसे भी प्रॉब्लम होती थी कि इनके कपड़े कलर कोऑर्डिनेटेड होते थे। वो रश्मि ने बोला था, नहीं, वो आरती ने बोला था, आरती ने बोला था उसे, बैठ जब वो डाल के आई ना, तब उससे पहले तुम लोग है ना, आप कलर कोऑर्डिनेट करके कपड़े मत पहना। ओके। नहीं मैंने एक ही बहुत बार देखा है, ज्यादा जितना मुझे ध्यान है उतना रश्मि ने बोला था कि तुम दोनों ऐसे मैचिंग करते हो तो सिद्धार्थ पे बिल्कुल सूट नहीं करता, ऐसा कुछ उसने बोला था। वो पहले कभी बोला होगा, लेकिन जब शहनाज रो रही थी तब आरती ने ये चीज कही थी उसे कि ओके ओके तुम मत ओके कहना करो, हमेशा हमेशा कुछ। यार देखो ना, अच्छा मेरे को लगता है ना कि शहनाज का बैकअप एक दो लोग थे वहां पे, एक सलमान सर थे और एक सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के डर से लोग बोलते नहीं थे शहनाज को, और एक सलमान सर की आईज में अच्छा बनने को बोलते नहीं थे शहनाज को। जैसे ही सलमान सर ने थोड़ा शहनाज को डांटा, सबकी असलियत बाहर आने लग गई, सब लोग। और जैसे ही सलमान सर अंदर आए, केक काटा, शहनाज को समझाया, वापस से गई ना अब्दुल्ला और रश्मि उसके पास, लक्ष्मी उसके पास, कि नहीं उसको समझाने, क्यों ओवर एक्टिंग करने, क्योंकि सलमान सर उसको प्यार से बोल के गए हैं, इसलिए नहीं बोल के जाते तो नहीं वापस जाते ये लोग। इनका ना यही था कि अच्छे बनने, तो मेरे को ना ऐसे लोग समझ नहीं आते हैं, ह्यूमैनिटी नहीं है शायद से इनके अंदर, दिल से अच्छे नहीं है, या फिर इन्होंने कभी अच्छाई देखी नहीं है, या फिर इनको अच्छाई की आदत नहीं है, क्या है मेरे को नहीं समझ आता। लेकिन इतना 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 गेम में कैसे घुसा हो सकता है इंसान, की किसी का ब्रेकडाउन हो रहा है और आप वहाँ पे कलर कोऑर्डिनेटेड कपड़ों की बात करके आ रहे हो, क्योंकि आपको सिद्धार्थ को गेम के लिए यूज करना है। इतना 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 ज्यादा, मतलब मेरे को नहीं समझ आते ऐसे लोग, बहुत ही नीच लगते हैं मेरे को ऐसे लोग, जो किसी के बुरे मोमेंट्स में उनको और नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे को ऐसे लोग समझ नहीं आते। मेरे को उस टाइम पे अब्दुल्ला पे बहुत गुस्सा आया था, जब वो जा रही थी ना बाद में भी, जब शहनाज के नेक्स्ट डे वहां बाथरूम में बैठी हुई थी, वो अब्दुल्ला उसको जाके बोल भी रही है पता नहीं क्या क्या, मेरे को उस टाइम पे मन कर रहा था अब्दुल्ला अब क्यों आ रही है,
अब क्यों? उस टाइम पे तो कलर कोऑर्डिनेटेड कपड़े मत पहनो, ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, अब क्यों नौटंकी कर रही है? मत करो ना, डोंट डू दिस, डोंट फेक इट, फेक मत करा करो अपने। वो मेरे को लगा वो तो फेकनेस की दुकान थी, उसको क्या बोला जाए, उसको वो तो लोग शॉप खोलनी ने, चाहिए। हाँ बोले श्रेया। वो लोग सब लोग ने मिलके सिद्धार्थ को इतना अगेंस्ट किया था कि तू उसके साथ बात मत कर, ये मत कर, वो मत कर, एंड हैट्स ऑफ टू सिद्धार्थ के उसने सबके हाँ में हाँ भी मिलाया, पर लेकिन कभी उसकी बात मानी नहीं। लाइक उसके जगह कोई भी होता है ना, तो एक घर एक बार वो हो जाता कि यार सब इतना बोल रहे तो कुछ तो बोल रहे होंगे ना। नहीं यार, नहीं, आई डोंट थिंक, क्या ही, उसने पूरी दुनिया देखी है, उसने पता है कि सब ही, उसने कहा ना कि कोई भी अपना नहीं है, उसने देखा है कि हर किसी ने उसके पीछे बैक पिचिंग किया, वो नहीं मानने वाला था, वो तो कभी नहीं मानने मानता। नहीं मानने वाले की यार बात नहीं सिद्धार्थ थी, की ना खुद की, नहीं, आई मानने नहीं। गॉट योर पॉइंट, की या आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन वो कभी नहीं होता। सिद्धार्थ की खुद की बात थी ना कि ये लोग मेरे डरते मेरे सामने नहीं बोलते, और ये लोग मेरे अगेंस्ट इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इनको, मतलब इनको मेरे अगेंस्ट नहीं जाना है, इसलिए मेरे डर से अगेंस्ट नहीं जाएंगे, वरना इनके दिमाग में बहुत बातें होंगी और ये बैकफुट पे खेलेंगे। उतनी किसी रात को शैनाथ को कहा डायरेक्टली, ऐसा नहीं कहा, ये सब कुछ एग्जैक्टली वैसा निकल जैसा मैं बोल रही हूँ, लेकिन उसका मतलब यही था कि ये बैकफुट पे खेलेंगे, मेरे साथ रह के खेलेंगे, अगर मेरे को पता है क्या खेलेंगे, लेकिन ये मेरे अगेंस्ट फेस टू फेस कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मेरे, इसकी अगर हमारी लड़ाई भी होती है तो ये वैसी लड़ाई, जैसे फैमिली में लड़ाई होती है वैसी लड़ाई इनके साथ हो नहीं सकती है, हो ये लड़ाई कर नहीं सकते मेरे से, क्योंकि ये मेरे अगेंस्ट नहीं जाएंगे, इतनी पावर नहीं है किसी में फेस टू फेस सिद्धार्थ के अगेंस्ट यस जाए। वो अफोर्ड नहीं कर, वो सिद्धार्थ ने डायरेक्टली बोल ही दिया था उस अफोर्ड टाइम। नहीं कर सकते ना उसके अगेंस्ट जाना, हाँ, सबको फैन अगली बेस बात पता करें। चल गया था ना। वो तो कितनी बार सलमान सर ने पहले वीकेंड के बाद से ही बोलना शुरू कर दिया था। और कुछ? आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा है? मेरा ऐसा तो मतलब कोई पर्टिकुलर मोमेंट नहीं है, मुझे उनके सारे बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन वीकेंड का जो बरन धवन वाला, वीकेंड का वार वाला इज लाइक फेवरेट। वो ना उनकी ना, जब बरन धवन कम्स, लड़ाई वड़ाई सब हो गया, सब सॉर्ट आउट हो गया, उसको भी क्लियर हो गया ये चीजें, जब व्हेन ही कम, जब देखो सब लाइन में खड़े हैं, सिद्धार्थ टिल्ट होके ही इज स्टेयरिंग सना को देख रहा है, वो पूरे टाइम उसकी नजरें उसी के ऊपर थी, इवन जब वो गाती है तो उसको ही देख रहा है, इवन जब वो लोग उसको तोड़ने जाते हैं घड़ी को, ही स्टेयरिंग एट हर पूरे के पूरे। तो वो बहुत ज्यादा, मतलब बिना बोले कुछ प्यार जो लगता है ना वो था। उनके बीच में ना उस दिन मेरे को एक और चीज बहुत सुंदर लगी थी, वो ये थी कि जब शहनाज सिद्धार्थ के लिए गाना गाती है, सिद्धार्थ ना उसका जो फेस बन जाता है, वो जो फेस होता है ना कि आप अपने लिप्स पर्स कर लेते हो, योर लिप्स आर पर्स एंड यू आर लुकिंग एट दैट पर्सन कॉन्स्टेंटली, एंड आप थोड़ा नीचे देख रहे हो, थोड़ा उसको देख रहे हो, आप सुन रहे हो, लेकिन आप उस टाइम पे आपको सारी दूरी मिटानी होती है, वैसी वाली मेरे को लगती है सिद्धार्थ का उस टाइम पे फेस था। एंड उसके बाद जब इनके बीच में टास्क होता है, जो जिसमें घड़ी तोड़नी होती है, और सिद्धार्थ जाके उसको बोलता है ना कि तू जानती है मैं क्या चाहता हूँ, वो जो उसका सेंटेंस होता है ना, तू जानती है मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को लगता है वो टू वे सेंटेंस था। पहला तो ये है कि तू जानती है कि मैं क्या चाहता हूँ इन गेम, और जो उसने वो बोला था ना कि तू जानती है मैं क्या चाहता हूँ, तू जानती है मुझे, तो वो जो उसने बोला था वो बहुत धीरे से बोला था सेकेंड वाला पार्ट, बट वो जो उसने वहां बोला था उससे तो मेरे को वो भी लग रहा था कि वो दूसरे सेंस में भी बोल रहा है कि तू जानती है मैं क्या चाहता हूँ, लेट्स फिनिश दिस, लाइक ऐसे वैसा लग रहा था मेरे को, तो वो भी मेरे को बहुत सुंदर लगा सुनने में, ये मेरे लोग को इतने लगा बेकार मतलब। है ना, इन लोगों ने इतनी सीन्स काटे ना उस दिन के भी हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा, इतना कट कोई कैसे कर सकता है। एक्चुअली बिकॉज सबसे मेन सीन तो मुझे वही समझ नहीं पड़ता है कि रात तक बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, दूसरे दिन बात करने लगे अच्छी तरह से, फिर वापस एकदम से इतना झगड़ा। वो तो खैर अच्छा किसी का सवाल है, सवाल है, कुर्सी कैसे टूटी? कल तो बताया था। शुक्ला जी फ्लैश मोड पे चले गए थे इसीलिए। नहीं, दोबारा बोलो। शुक्ला जी फ्लैश मोड पे चले गए थे।
फ्लैश मोड नहीं, उसके इमोशंस जब उसने गाना गाया, वो देखो उनके जो गाने होते हैं ना वो एक दूसरे को डेडिकेट करते हैं वो, जैसे कि वो वाला जो सना ने उस वीकेंड पे वीक में गाया था ना तुमसे प्यार हुआ, तो वो उससे पहले सिद्धार्थ गा रहा था, तो उसने वो रिवर्ट किया, वैसे ही ये जो कौन सा गाना गाया था, हाँ बोल दो ना जरा, तो सिद्धार्थ ने उसके लिए गाया था आफ्टर हिज मदर वेंट बैक, तो वो सुना था कि वो एक दूसरे का रिवर्ट होता है उनके गाने गानों में, अपनी फीलिंग्स वो लोग उसमें एक्सप्रेस करते हैं, तो वो जब वो बोल रही है ना तो वो उसको यही कह रही है कि तुम्हें जो प्रॉब्लम्स है जो भी चीज़ें हैं वो अब बोल दो, लेट्स फिनिश इट ऑफ, वो उसको बोल रही है, और उसको वो सब चीज़ें याद आ रही हैं, उनके मोमेंट्स सब याद आ रहे हैं, तो वही वो फ्रस्ट्रेशन, क्या फ्रस्ट्रेशन तो नहीं लेकिन वो होता है ना कि यू आर लाइक कि जब आपको लगता है आप कुछ फील कर रहे हो तो आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग मतलब टाइटली कर लेते हो, तो वो चीज़ें वैसे वो ब्रेक हुई हैं, वो उस हिसाब से हुआ था, हाँ, तो मीन्स वही दैट ना कि फ्लैश मोड पे चले को गए. भी यही लगता है। हाँ फ्लैश मोड पे तो चला गया ना, उसे कुछ चीजें सब याद आ रही हैं, A to Z, कहाँ से क्या शुरू हुआ, उसने उसे क्या बोला, उसने क्या, उनकी लड़ाइयाँ, हर चीजें उसको याद. एक्चुअली ना मुझे लगता है उस पॉइंट पे क्या हुआ था कि अगर आप कहीं इफ यू हैव बीन इनटू सच अ डीप काइंड ऑफ इमोशनल टर्मोइल कि आप जिससे इतना ज्यादा प्यार करते हो या जिससे इतना कनेक्टेड हो उसके साथ इतनी बुरी फाइट हो रही है और आप सो नहीं पा रहे हो, आपका चेहरा लाल हो रखा है इस पॉइंट पे, एंड उस टाइम पे वो इंसान गाना गा रहा है, वो कौन सा गाना गा रहा है, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किस, और वो फीमेल वर्जन भी गा रही है, व्हेन देयर इज नो फीमेल वर्जन ऑफ द सॉन्ग एट ऑल, वो फीमेल वर्जन गा रही है, और शहनाज की आवाज ना क्वेवर, मैंने ये कल ही बोला है शायद, हाँ शहनाज की आवाज क्वेवर कर रही थी, वो ना स्माइल करती है जब उसको अंदर से बुरा लगता है वो तब भी स्माइल करती है, शी इज अ वॉरियर, तो शी वॉज स्माइलिंग शी वॉज थिंकिंग बट हर वॉइस वॉज क्विवरिंग, वो उसको रोना आ रहा था मेरे को लगता है, लेकिन शी वॉज स्माइलिंग, और वो अपना मैसेज वहाँ पे कन्वे करके जाती है कि इतनी मोहब्बत करो ना मैं डूब ना जाऊँ कहीं, ये सब जो द लिरिक्स वर ऑन पॉइंट एप्ट फॉर देम उस पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे सिद्धार्थ ना, हाँ सिद्धार्थ जैसे उस टाइम को उसको देख रहा था ना, ही वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग कि अभी उसने सुना भी है कि वो कहाँ कहाँ पे गलत गया है, उसने अभी सलमान सर से सुना कि वो कहाँ कहाँ पे गलत था, एंड उसने मतलब सलमान सर ने भी बोला था ना कि आप जो कर रहे हो गलत जा रहे हो, उसको डिस्टेंस पसंद नहीं आ रहा उसके बीच में और शहनाज के बीच में, शहनाज वो गाना गा रही है जो उसने एक हफ्ते पहले उसके लिए गाया था, उनकी बातों बातों में मतलब म्यूजिक में कॉम्पिटिशन हो रही है, वो सिद्धार्थ जो लीन बैक भी कर रहा था ना उसका हाथ, उसका पूरा प्रेशर बॉडी का उधर पे चला गया, और उसके बाद उसको मतलब वो हाँ आप करेक्ट थे कि वो फ्लैशबैक में भी चला गया, वो कॉन्टेम्पलेट भी कर रहा है, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है उसका, वहीं पे बैठे बैठे म्यूजिक पे ध्यान है, शहनाज पे ध्यान है, खुद पे ध्यान है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ इस वीक पे उस पे ध्यान है, क्यों हुआ, होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, कहाँ गलत है कहाँ सही है उस पे भी ध्यान है, इतना सब कुछ सोच रहा था ना कि वो एक्चुअली जब आप आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना, व्हेन यू आर मेंटली इनटू समथिंग वो आपकी बॉडी से एक्सिलरेट होके मतलब वो आपकी बॉडी से बाहर निकलता है इन अ फॉर्म ऑफ समथिंग और समथिंग एल्स ओनली, कभी गुस्से में निकलता है, कभी कभार आप रोने लग जाते हो रैंडमली तो वो वैसे निकलता है इन फॉर्म ऑफ टीयर्स निकलता है, कभी कभार फॉर एग्जाम्पल कभी कभार लोग को फीवर हो जाता है, जो शहनाज का जो मेंटल प्रेशर था उसको फीवर हो गया था उस वीक के अंदर उस टाइम पे, क्योंकि उसका मेंटल प्रेशर वॉज टेकिंग अ अटैक ऑन हर बॉडी, इट वॉज इफेक्टिंग हर बॉडी अलॉट, तो सिद्धार्थ का जो बॉडी वेट था वो सारा टुवर्ड दी बैक ऑफ द चेयर, इतना सब कुछ हो गया, फ्लैश बैक में चल रहा है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, और वो किसी ना किसी फॉर्म से निकलता है और वो उसकी चेयर टूट जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे होता है, एंड इट इज ट्रू कि वो फ्लैशबैक में भी था, इतना कुछ हो भी गया, वो हेल्पलेसनेस वो बेबसी होती है ना, मैंने बार बार बोल दिया है वर्ड, बट वो इतना हेल्पलेस और रेस्टलेस था उस टाइम पे, वो उतनी हेल्पलेस हेल्पलेस और रेस्टलेस थी कि हम एक दूसरे से दूर हैं, वो इतना फीलिंग होता है कि आप एक दूसरे को हग करो काम खत्म करो, आई जस्ट नीड यू नाउ जस्ट फिनिश दिस, बट आप फिनिश कर भी नहीं सकते क्योंकि आप बहुत बुरी तरीके से लड़े हो, तो ऐसे ऐसे फिनिश नहीं होती चीजें, आप चाहते हो बात करना लेकिन आप बात नहीं भी कर सकते, आप अंदर से बहुत टूट रहे हो दुखी हो लेकिन आप उसको ये बता भी नहीं पा सकते कि आप उसको ये कन्वे नहीं कर सकते, आपको नींद नहीं आ रही लेकिन आप उसको ये भी नहीं बोलोगे कि आप मेरे बेड पर वापस आ जाओ, वो वाला सिचुएशन था इसका, और वो सब कुछ सुनने के बाद वीकेंड के बाद पे थोड़ी बहुत जो चीजें क्लियर हुई थी ना वो इंट्रोस्पेक्शन पे जा रहा था कि क्या हो क्या रहा है ये हुआ क्या है ये, और उसका गाना भी मतलब इट वाज सो इतना ओवरवेलमिंग, इतना ओवरवेलमिंग होगा उसके लिए कि वो चेहरी टूट गई वहां पे,
वो फिजिकली निकला, उसकी बॉडी से बाहर फिजिकली निकल गया, एंड दैट वाज, मेरे को लगा वो हुआ उसके साथ वहां पे. और इनकी जो सॉन्ग वाली चीजें होती है ना, वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती है. इवन जैसे कि आप वो वाला जब है ना, आसिम उसके लिए गाता है जब वो उसका टास्क चल रहा होता है, लास्ट जो लास्ट टास्क होता है सीजन का, कि सीने से लगा लूंगा, है ना. तो वो कुछ टाइम पहले सिद्धार्थ शहनाज के लिए गाया होता है, तो वो उसी पे हंसती है. तो चीजें यही है ना कि उनके जो गाने होते हैं तो वो एक दूसरे को डेडिकेट करते हैं, और फिर उनसे कुछ ना कुछ मूवमेंट्स जुड़े हुए होते हैं, और जब वो मूवमेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं तो आपको कंट्रोल नहीं रहता. तो वही था, इसलिए ही कुर्सी टूटी थी. एक तो सीरियसली वो इतना ज्यादा एडिटेड है, इतना ज्यादा कट किया हुआ है ना, मेरे को पूरा देखना था. अभी भी दे दो. ये मुझे एक चीज बताओ कि क्या ये रियल में था कि उस टाइम पर ये ट्रेंड हुआ था, शुक्ला जी कुर्सी कैसे टूटी? पता नहीं, अमन बताएंगे. अब पता पता नहीं, आई डोंट नो. इवन मैंने तो ये भी देखा था कि अकी देखो वाला भी वो था. हाँ ये भी सुना मैंने. I'm not sure, but... ये कितने चीजें बहुत क्यूरियोसिटी लाती है. हाँ, ऐसा तो शिफ्ट पर तब क्यों नहीं देखा. हाँ एग्जैक्टली होता है, लेकिन नहीं देख पाते. पता है मेरे को तो ऐसा होता है कि मुझे अभी देखना है, अभी खत्म करना है. मैंने एक वीक के अंदर खत्म किया था. ये सब कुछ ट्रेंड हुआ था गाइस, ये सब सच है. अक्की देख लेगा ये भी ट्रेंड हुआ था सब. ओह शिट, हाय राम, तुम लोगों ने शुक्ला और शहनाज की कितनी ली है. मतलब दोनों सोच रहे होंगे हाय राम कैसे से लोग आएंगे, क्या कर क्या रहे हमारे साथ. मतलब हद तो भी. इवन अभी भी तो वो करते हैं, हाथ दो जाते मजे आते हैं, लेकिन देखने में भी. बट लेकिन अभी इतना नहीं होता है शायद, लाइक जितना पहले होता था उतना नहीं होता है. अरे इस नेट देखो, इस नेट पे आज भी पता नहीं कुछ, आज भी कुछ था, कुछ डाला हुआ था उन लोगों ने. मतलब जो उसको कमेंट्स आते हैं ना, जो ट्वीट करते हैं, तो वो बहुत फनी होते हैं. और जो ट्रांसजेंडर से होते हैं, जो ऐसे से कमेंट करते हैं ना, मतलब यू कुड, इंसान तो देखते ब्लश करते हुए मर जाए, इतने ज्यादा ऐसे से वो डालते. सीरियसली एक है ट्विटर आईडी बहुत फनी होते हैं. हाँ, खंजरी खंजरी सोना बाबू. फिर एक तो क्या था, प्रातःकाल 4 बजे. हाँ सीरियसली बहुत फनी फनी आइडियाज होते हैं. और किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट में लिख दो. अच्छा चलो, अब ये कल करें प्लीज, अब मैं जा रही हूँ सोने. आई हेट दैट टास्क. हाँ ओके, बाय गाइस, गुड नाइट. जो उठी हुए उनको गुड मॉर्निंग, बाकी को गुड नाइट. हाँ मैं भी जा रही हूँ, मैं ये डिकोड करके जा रही हूँ. मेरे को कल सुबह उठ के पढ़ना है, मेरा कल भी टेस्ट है. मैं ये डिकोड करके जा रही हूँ. थैंक यू आयशा फॉर ज्वाइनिंग. बोलू? यस, हमारे साथ राधिका जी भी जुड़ गई हैं लाइव में. हेलो राधिका जी. ओहो हेलो राधिका जी, अ बिग फैन ऑफ योर. हाय राधिका जी. हाय, हु एम आई टॉकिंग टू? कोई नए लोग है ना? या नव्या. हाँ आई एम नव्या राधिका जी. नव्या एंड मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ कह लो. आपकी आवाज बहुत अच्छी है. नव्या एंड श्रेया. नव्या एंड श्रेया, हाय गाइस. हाय हाय राधिका जी. हेलो स्पिंदर, स्पिंदर पाल गिल. हाय 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 नैनो. राधिका जी, मैंने आपके कितने एनालिसिस सुने हैं. आई कम्प्लीटली एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू. मेरे को लगता है मेरा आपका सर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैच करते हैं. मतलब मैंने आपकी आपके लाइव एक आपका, मतलब वैसे तो मेरे सबके साथ ही कर जाते हैं, मतलब मेरे को सबके बहुत ही सही लगते हैं. एवरीबडी इज अ वेरी गुड स्पीकर हियर, बट एक आपका और एक प्रवीण जी का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैच करता है, मेरे को लगता है पर्सनली. तो आई एम बी बिग फैन, बिग फैन फैन हम सब. तो इसी बात पे एक डिस्कशन हो जाए आप दोनों के बीच. श्रेया विल आल्सो जॉइन. किस चीज पे? कोई भी
किस चीज पे? बेस्ट मोमेंट यही मीडिया राउंड टास्क की डिस्कस कर लो। हाय मीडिया राउंड बेस्ट मोमेंट नहीं था यार, मीडिया राउंड बहुत ही दुखी वा... उसमें सिर्फ एक चीज अच्छी हुई थी, दैट वाज मायरा सेइंग, मतलब चिपकली सेइंग कि ये जो मेरे को टच करता तो मेरे को लड़के वाली फीलिंग नहीं आती। मेरे को उस पे बहुत हंसी आई थी, एक दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ दैट लाइफ। उसके अलावा मेरे को कुछ किसी चीज पे इतना कुछ खुशी नहीं हुई। इनफैक्ट वो शहनाज को और बहुत टारगेट किया गया था तो मैंने तो बहुत ही स्किप किप करके देखा था आगे पीछे आगे जो इंटरेस्टिंग लगा। तो एक क्वेश्चन आया है ये YouTube पर, किसी ने पूछा है, इनका नाम है दीपा बदानी, ये पूछती है कैन यू डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक आफ्टर मीडिया टास्क नेक्स्ट डे देयर वाज अ बैड संचालन नॉमिनेशन इन ऑल सीजन वेयर पारस इज वेरी रूड टू सना एंड वेयर सना इज वेयरिंग ग्रीन कलर ड्रेस। ओ वो रद्द वाला टास्क, वो तो वर्स्ट वीक वाला था। नहीं वो मीडिया राउंड वाला कब था? ये क्या बोल रहे हैं, जो पारस संचालन कर रहा था और शहनाज ने ग्रीन ड्रेस पहना हुआ था, ऐसे पूछा है? हाँ, पारस इज वेरी रूड टू सना एंड वेयर सना इज वेयरिंग ग्रीन ड्रेस। हाँ तो वो मीडिया राउंड के बाद नहीं था, मीडिया राउंड मकड़ी टास्क है, आफ्टर मकड़ी टास्क। एग्जैक्टली हाँ, आफ्टर मकड़ी टास्क एग्जैक्टली, जो नॉमिनेशन थे वो बस ना बिग बॉस को भी ना चुगली करने की आदत थी, वो उसका कुछ फायदा ही नहीं था, ना वो लग्जरी टास्क था ना कुछ, वो बस लड़ाई लगाने में थे। हाय हिना, हाय, काफी दिन हो गए हिना की आवाज सुने हुए। हाँ या वो तो एक तो यार लाइक पारस तो पूरा सीजन वाज रूड टू सना, ओके सारा सीजन अभी भी रूड है वो। मतलब 2 साल हो गए, यू नो लाइक यू नो बंदे की हेट्रेड कमी नहीं हो रही है, तो वो पता नहीं किस क्या कर रहा है। ठीक है वो अपना उसका है एक्चुअली, वो राधिका जी वो हेट्रेड नहीं है ना, इट इज हिज ईगो टूक अ हिट वहाँ पे। उसका क्या होता है ना कि उसको, मेरे को उसकी पर्सनालिटी ऐसी लगती है कि इफ आई से समथिंग टू यू, यू आइदर अग्री टू इट बिकॉज यू आर नॉट एज इंटेलिजेंट, मैं आप उतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, और अगर आप मेरे बिना मेरे ऊपर किसी और को चूज कर रहे हो तो फिर आप इतना नीचे गिरने चाहिए हो, इतना बुरा होना चाहिए आपके साथ लाइफ में। मेरे को उसकी वैसी पर्सनैलिटी लगती है कि अगर आप मेरे अलावा किसी को चूज कर रहे हो तो फिर आपके साथ लाइफ में बुरा होना चाहिए, और अगर आपके साथ बुरा नहीं हो रहा है तो फिर मतलब वो मेरे को पारस की पर्सनैलिटी वैसी लगती है, बहुत ही चीप काइंड ऑफ मेंटालिटी लगता है। तो I wouldn't call it male or female. Male ego नहीं है यार, male ego. That he's a very narcissism. हाँ, this is narcissism and this is ego. हाँ, he's a narcissistic guy. और वो होता ना misogynistic guy कि एक किसी को अगर आप आपके बिना excel करते हो देखते हो तो आपको ना गुस्सा आता है, आपको लगता है ये मेरे बिना कैसे कर रही है ऐसा, और इसने मतलब, और वो होता ना कि जैसे इसका एक वो भी था कि आप वो अपनी एक्सेस की बुराई कर रहा है, इतनी मैंने इसकी कितनी अनथीन अनदेखा देखे जिसमें अपने एक्सेस की बुराई कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी के साथ अगर लाइफ में टाइम स्पेंड करते हो तो आप उस टाइम को रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट अ टाइम यू हैव स्पेंट विद दैट पर्सन, आप वो भी रिस्पेक्ट नहीं करते। दूसरी बात ये कि वो आप ही की चॉइस थी, यू लाइक दैट पर्सन सम टाइम अगो, सम ईयर्स अगो, वो आप ही की चॉइस थी, तो टेक्निकली आप खुद की इंसल्ट करते हो अगर आप अपनी एक्सेस की बुराई करते हो। एंड इट शोज कि आपकी मेंटालिटी कहती है कि अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है या आप किसी को छोड़ रहे हो तो उसको खराब होना ही है, मतलब उसका ना वो नहीं है कि यू कैन नॉट हैव अ स्मूथ काइंड ऑफ एंड विद हिम। उसके साथ एंड का मतलब यही है कि वो आपके बारे में बकवास ही करेगा, दैट इज हिज टाइप ऑफ पर्सनालिटी एंड इट वाज सो बैड। और मेरे को उसको ये भी लगता है कि ही वाज इनसिक्योर ऑफ सिद्धार्थ आल्सो, क्योंकि सिद्धार्थ और उसकी 2-3 गर्लफ्रेंड्स एंड ऑल समथिंग वाज सिमिलर, एंड सिद्धार्थ इज दैट टाइप ऑफ गाय जो बहुत ही अच्छा एंड, मतलब वो चीजों को सॉल्व करके एंड करता है। अगर उसका और रश्मि का, जैसे लक्ष्मी और उसका भी कट ऑफ जो हुआ था उसके बाद ये बात भी निकली थी कि उसने उसके बाद कॉल करके ही सॉल्व थिंग आउट विद हर, एंड उसके बाद शायद जिंदगी में दोबारा बात ना हो, लेकिन ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे को देखें और हम अवॉइड करें एक दूसरे को,
एटलीस्ट एक हाई या वेव कुछ ऐसा हो सकता है तो फिर वाई नॉट. तो सिद्धार्थ की तो मतलब अगर सिद्धार्थ और पारस की गर्लफ्रेंड्स कभी शेयर हुई हैं तो आई एम वेरी वेरी शॉक्ड कैसे करा लोगों ने ऐसा, सिद्धार्थ के बाद पारस कैसे वाई. बट हाँ तो आई थिंक पारस वॉज ऑल्सो इनसिक्योर ऑफ सिद्धार्थ, तो वो बार बार कहता रहता था कि नहीं सिद्धार्थ तो इसको लाइक नहीं करता, सिद्धार्थ तो लाइक नहीं करता, अभी ये पीछे पीछे भागती रहती है. और उसके बाद मीडिया राउंड में जब सिद्धार्थ ने कह दिया आई बी देयर फॉर हर, तो उसके बाद इनकी रात को स्टेटमेंट बदल के ये हो जाती है कि सिद्धार्थ तो करता है, सिद्धार्थ के लिए जेन्युइन है, ये गेम के लिए कर रही है, ये गेम के लिए भाग भाग के जा रही है. मतलब एटलीस्ट स्टिक टू योर स्टेटमेंट्स. मतलब मेरे को वो समझ नहीं आता, पारस इज अ वेरी वेरी वियर्ड गाय, वेरी वेरी नार्सिसिस्टिक एंड ईगोटिस्टिकल गाय. उसका बहुत ही ईगो है, बहुत भयंकर ईगो है, एरोगेंस है बहुत, और इनसिक्योरिटी भी है बहुत ज्यादा. हाँ मतलब वेयर आई वुड आई एग्री विद यू. आई मीन ही मतलब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आई थिंक सभी ने देख लिया है और बहुत कंसिस्टेंटली देखा है, और उसने भी बहुत कंसिस्टेंटली अपने आप को दर्शाया है, राइट? तो उसमें कोई मतलब गुंजाइश नहीं है. ही इज अ वेरी इंग्लिश वर्जन, राइट? ही इज अ वेरी सेल्फ अब्सॉर्ब्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड, ईगोटिस्टिकल, इनसिक्योर एंड यू नो जेलस सोल. Right, that's who he is, and he show मतलब उसने दिखाया है काफी बारी खुद मतलब सिर्फ ये दोनों के लिए नहीं औरों के लिए भी दिखाया है. सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ये चीजें लाइक शहनाज और सिद्धार्थ के लिए दिखाता है, वो जनरली सबके लिए दिखाता है. anybody against challenging him and his ego and his being, right? I wouldn't, मैं male या female नहीं बोलूंगी, because end of the day we're all human beings, हमारी सबकी unique personality है. ego होती है, ego भी होती है, some form of ego is required. yeah, I mean that will be a very you know philosophical discussion for me, but ego and self respect में बहुत फर्क है. और but I think and again I won't talk about all that keeping him in mind, right? मतलब उसका उसने दिखा दिया, तो मुझे ऐसा मैं ऐसा नहीं बोलूंगी उसके लिए कि वो ऐसे नहीं करता है, वो रिस्पेक्ट नहीं करता है. मुझे मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है किसी किसी बंदे से, राइट? बिकॉज ही शोन हु ही इज, और मुझे क्या करना है. मतलब मुझे एज अ नॉट जस्ट एज एन ऑडियंस, राइट? अगर मेरी लाइफ में ऐसे भी कोई यू नो बंदे हैं जो इस तरह के हैं, तो आई एम लाइक ठीक है यार, हैव आई मीन हैव अ नाइस लाइफ एंड यू नो पीस आउट एंड आई एम डन विद देम फॉर लाइफ. मतलब मैं बैठ के यहाँ पे ओ तूने तू ऐसा कर सकता है, यू नो यू कुड बी नाइस एंड आप इज्जत से बात कर सकते हो, मुझे क्या करना है. तो मैं लाइक आई वुडंट एक्सपेक्ट एनी यू नो गुडनेस फ्रॉम एनीबॉडी अगर उन्होंने अपने आप को दर्शाया है ऑलरेडी. तो दैट्स वेयर आई वुड स्टॉप. एंड आई थिंक वो मैं सिद्धार्थ और शहनाज को छोड़ के सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में ये बोल सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ देम दैट एंड आई थिंक मधुरिमा ने थोड़ा अपना क्या किया है, शी कोर्स करेक्टेड, राइट? बिकॉज उसको वो पहले बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी ऑब्वियसली, बिकॉज उसको यू नो विशाल वो जानती थी, और शायद थोड़े लोग और जानती थी, विकास को जानती थी, और थोड़े अगर इंडस्ट्री में हो तो आप एक ही नेटवर्क या आप एक ही सर्कल में घूमते हो तो पता चलती है, या थोड़ी फेमिलियरिटी होती है, राइट? तो वो हिसाब से वो पहले फर्स्ट 2 वीक्स काफी इन्फ्लुएंस हो गई थी. फिर जब उसने लोगों को देखा और सबके यू नो बदलते यू नो कनेक्शंस और कलर्स सब देखा, देन शी सॉ समथिंग जेन्युइन इन इन शहनाज एंड सिद्धार्थ बोथ. तो फिर तो मुझे वो एक एक्सेप्शन लगती है. और यू नो खेसारी भी वैसी था बंदा, जैसे खेसारी भी पहले बहुत ज्यादा उसको बहुत लोगों ने मतलब हाईजैक ही कर लिया था उसके माइंड को. अगर आप वो लाइक बोरी वाला टास्क वीकेंड है वीक है, या उसके बाद वीकेंड का वार हुआ था जब यू नो गुलाटी आया था एंड ऑल दैट, तब तक जब सलमान ने उसको चैलेंज नहीं किया अबाउट द गेम, यू नो खेसारी आप तो गेम के बारे में यू नो बहुत जानते हो, बिकॉज उसने काफी ओपिनियंस लाइक देना शुरू किया था सिद्धार्थ के बारे में और शहनाज के बारे में. व्हेन सलमान चैलेंज्ड हिम, देन ही गॉट थिंकिंग, इट्स लाइक ओके मैं क्या कर रहा हूँ, और लाइक मुझे क्यों वो किया गया, राइट? उस पे हाईलाइट था ना फर्स्ट
लाइक जो सैटरडे का एपिसोड था फर्स्ट लाइक 15 यू नो 20 मिनट्स उसके ऊपर था. सो एनीवे द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ऑल ऑफ दोज गाइज ऑल द कंटेस्टेंट्स एक्सेप्ट फॉर दीज टू मतलब उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने अपने आप को दर्शाया, बहुत अच्छे से दर्शाया. और अभी जो लोग बाहर जाके आजकल इंटरव्यूज दे रहे हैं कि ओह यू नो सिद्धार्थ का और मेरा बहुत ही अच्छा यू नो कनेक्शन है, हम लोगों ने काम किया या शहनोज और हमने काम किया, दिस इज नाउ नाउ हम लोगों ने मतलब हम लोग जो है जो ये लाइफ पे है और जो सिद्धार्थ और शहनोज को सेल्फलेसली इतना प्यार देते हैं वो जानते हैं कि बॉस किसको उल्लू बना रही है और या यू नो बना रहा है, बिकॉज हमने जो देखना था वो देख लिया. So now it is a tougher narrative for them. It's tougher for them to have that narrative, right? Because unko wo narrative, you know, Big Boss se pehle, they got away with it. Ki ye bahut hi arrogant hai aur ladta hai aur set pe, you know, misbehave karta hai, ye wo. Because audience ko pata hi nahi hai na ki kya kya sachcha ye aur kya hai, kya ho raha hai. Because hum 24 ghante thoda na dekhte the unko. Jaisi Big Boss hua, और सबके असली चेहरे दिख गए तो फिर अभी अभी रहा ही क्या, राइट? सो आई जस्ट थिंक दैट सब लोगों ने दिखा दिया, सो देयर इज नथिंग मोर टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीबॉडी, है ना? अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर हमको ही डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी. हम बेवकूफ है, मतलब इफ यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम somebody लाइक देम, एग्जैक्टली स्टूपिड. और वो लाइफ में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट? जब आपका फ्रेंड हो, आपका यू नो कलीग हो या जो भी आपके साथ ऐसे बर्ताव करता है कि हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, तो जब उन्होंने दिखा दिया वो कौन है, बिलीव देम, राइट? एंड देन मूव ऑन. इफ नॉट देन हम अपने आप को वो फिर वही फीलिंग से और यू नो वही डिसअपॉइंटमेंट से ले जाना इज नॉट फेयर फॉर आवरसेल्व्स, राइट? बचा सकते हैं. दिस इज हाउ टू सेव yourself from these kind of disappointments. क्योंकि आप अपनी expectations के हिसाब से लोगों को चेंज नहीं कर सकते, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं. Exactly. You know, सिद्धार्थ बाहर आया, जिस दिन बाहर आया, right, हमें लगा था कि ओ ये तो पता नहीं, he is unsure कि बाहर जाके कैसे होगा फलाना, है ना? बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को पहले शो से पहले नहीं जानते थे, तो इनका कुछ वो है ये है. बट अगर आप जिस दिन ये बाहर आए, दो दिन तीन दिन बाद, जब शहनाज एमएस के घर के अंदर गई थी और इसका जो मीडिया डे हुआ था, जो इसने फटाक से एक के बाद एक सारे मीडिया पोर्टल्स को इंटरव्यू देना शुरू कर दिया, उसने एक बात कंसिस्टेंटली बोली है कि शहनाज के साथ जो घर पे रिलेशनशिप था वही है और मैं सिर्फ उसी को फॉलो कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे और किसी और को नहीं, और दैट्स इट, राइट? सो ही वाज वेरी क्लियर इवन 3-4 days यू नो कमिंग आउट द हाउस. सो उसने जो हम अभी जो बोल रहे हैं वो वही उसने 2 साल पहले, मतलब बिग बॉस से मतलब 1.5 साल पहले बोल दिया था कि I know who my bond is with and that's what I intend to keep with. Because jab wo Delhi bhi gaya tha, tab ek pata nahi wo uske hotel ke you know swimming pool ke paas uska interview le gaya tha, he was in a black sweater, I think wahi pe jahan pe Aman mile the, right? To wahan par bhi usko pucha gaya tha ki who are you in touch with, he says only Shehnaz, anyone else, and he said no one else. And he was very clear, मतलब उसने कोई hesitate नहीं किया या कहीं इधर उधर नहीं देखा. He was very clear, he was making eye contact. And then he said, you know, what do you think about these tags, right? Sid. He's like, as long as there is Sid, I have no problem with it. मतलब he was very clear on वो किसके साथ अपना relationship रखना चाहता है. अभी वो जो भी हो, जैसा भी relationship हो, it is none of our business, right? Because वो उनका personal है. बट जो हमने देखा था वो मतलब उसने भी बोल दिया वही जो हम ये बोल रहे हैं कि इवन BB14 में जब सॉरी जस्ट वन थॉट जब BB14 में वो वीकेंड के वार पे आया था जब वो राघव के साथ वो ग्लास बॉक्स से पीछे से आया था जब यू नो तेरा बाप आया वो जो गाना बज रहा था राइट और ये उत्तरण की दो जो लीड्स आई थी तो एक लीड को उसने साइड हाथ दिया और तो हाँ एक लीड को उसने हाथ जोड़ दिए थे.
तो उसे वो बॉडी लैंग्वेज, वो अगर हमने 4 महीने ठीक से देखा है उसको, हमें पता होना चाहिए कि वो हर चीज सोच समझ के करता है, डिलिबरेटली करता है, वो ऐसी फील में फ्लो में आके नहीं करता है। तो वो जैसे उसने उसको हाथ जोड़ के झुक के नमस्कार किया, इज लाइक यू नो पीस आउट एंड एंड हैव अ नाइस लाइफ, बस वो वही कह रहा था। तो ये चाहे जितना भी इंटरव्यूज दें या कुछ भी बोले, अगर जिसको जिस किसी को भी उससे इफेक्ट हो रहे हैं, इफेक्ट ना हो, ये तो इनकी पीआर गेम्स चलती रहेंगी, बिकॉज सबको अपना अपना लाइफ, सबको अपना अपना करियर बनाना है, और सब लोग दे ट्राई ऑल टूल्स इन द टूल बॉक्स टू बी इन द मीडिया। तो डोंट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई इफेक्ट हो रहा है वो इंटरव्यू से या किसी चीज से, बट ऐसे और बहुत इंटरव्यूज आएंगे, आई एम सेइंग दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट, राइट, और बहुत होंगे उनके। क्योंकि दे आर गोइंग टू बी पॉपुलर फॉर अ लॉन्ग टाइम. जैसा इन्होंने द काइंड ऑफ पर्सनालिटी दे हैव, ये लोग पॉपुलर रहने वाले हैं, और इनकी पॉपुलैरिटी को लेकर लोग इनके ऊपर इंटरव्यूज बहुत देने वाले हैं. जो ये जो झूठे इंटरव्यूज देते हैं, ये काइंड ऑफ थिंग्स दे डू कि वो पारस टकला इज अब्यूजिंग और फिर से कुछ ऐसा बोला उसने, और रश्मि शायद से तारीफ कर रही है इनकी. तो ये सब कुछ इनका ये प्लान रहता है, क्योंकि इनको पता है टॉप पे अभी कौन है, और इनके हिसाब से इनकी इक्वेशंस भी वैसे ही चेंज होती है. ये तो अंदर ही दिख गया था, वैसे तो ये बाहर आने में कोई चेंज नहीं था. और सिद्धार्थ ने भी अंदर ही कह दिया था कि मेरा देयर इज ओनली वन, मतलब उसका एक ये स्टेटमेंट था उसकी जो रात को ब्रेकडाउन हुआ था उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग, कि तेरे साथ था मैंने बोला लाइफ टाइम रहेगा, एंड लाइफ टाइम रहेगा, तुझे रखना है तो रखना, नहीं रखना तो मत करना, लेकिन मैंने बोल दिया मेरी तरफ से लाइफ टाइम रहेगा, तो दैट अ डन डील. उसके बाद और क्या बोले वो, उसके बाद कितनी बार बोले वो, बोल तो दिया उसने कि वो लाइफ टाइम है उसके साथ, हमेशा है. तो आई थिंक दैट्स एनफ. हाय हिना, अच्छा आई हैव हाय टू गो. राधिका जी, हाय हाय। हीना, आप बहुत हाय अच्छा हीना बोल रही जी. हो। मैं आपने टकले को बहुत अच्छा अच्छा, थैंक एक्सप्लेन यू किया थैंक है, यू. आई लाइक इट। मेरे को ना लगता है बेबी 13 इज अ गुड गुड केस स्टडी फॉर साइकोलॉजी एंड फिलोसफी ऑल्सो, अ वेरी गुड केस स्टडी या फॉर ट्रू। बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ द टॉपिक्स, अच्छा, कोई लाइफ इंटरव्यू लाइफ दिया किसी ने लेसन्स. क्या? अच्छा आई एम लीविंग, मेरे हाँ को जी, सुबह पेपर है मेरा, आई हैव टू अच्छा लीव. किसने किया है मुझे तो पता नाइट नहीं एवरी है। वन, गुड मॉर्निंग थैंक यू एवरी वन. सो मच नव्या फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा बोला तुमने। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन, होप आप सभी को लाइव अच्छा लगा होगा। अगर लाइव अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड गाइज, मैंने कितने सारे लाइव्स डाल रखे हैं, आप वो भी सुन सकते हैं पीछे, क्योंकि सबके टॉपिक्स अलग अलग हैं। थैंक यू। योर एडमिन अमन, सिन्नाज अपडेट्स। बाय, टेक केयर, चैनल सब्सक्राइब कर लो।